ये देखिए, ये है गुजिया का मसाला। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? रुके रुके जरा, क्योंकि ये मीठा नहीं, क्योंकि ये नमकीन है। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी रेसिपी, इसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी की मसाले वाली गुजिया। ये देखिए मैंने गोभी ली है, मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और इसके नीचे वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया, कट कर लिया। इसे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा यूज़ करना है हमें। ये देखिए अब मैं इसको ऐसे घिस लूँगी बारीक बारीक। ये रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो इसको अच्छे से घिसना है। ऐसे सारा घिस लेना है, जितना आप बनाने वाले हैं उस हिसाब से आप इसको घिस सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी मैंने लिया है थोड़ा आटा, इसमें दोनों मैं मिक्स करके बना रही हूँ। उसमें थोड़ा डालूंगी नमक, नमक कम ही डालूंगी, ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि उसमें भी नमक होगा, तो इस वजह से नमक का कम ही यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा मैं अंदाजे से डालूंगी, 2-3 चम्मच इसमें रिफाइंड। अब इसे मिला लूँगी मैं और इसे अच्छे से भून लूँगी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, रोटी वाली वीडियो में भी बताया है कि आटे को अच्छे से गूंदेंगे तो लोई अच्छे से तैयार होती है। पर ये गुजिया का आटा गूंद कर रही हूँ मैं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इसे पहले से गूंद के रखना होगा, उसका मसाला मैं बाद में तैयार करूँगी। बस सेम प्रोसीजर है, बस हमें अच्छे से इसको मलना होता है। देखिए आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पहले भी रख सकते हैं, बस फ्रीज का निकाला हुआ ना हो, क्योंकि उसको जब आप भरेंगे इसके अंदर तो उसको भरने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसलिए जब भी करें 10-15 मिनट पहले, हो सके तो आधा घंटा पहले इसे करके रख दें। अब मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि अब तक टाइम नहीं मिल पाया, होली तो कल ही है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो तो बनती है जी। डिश के साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देने वाली हूँ, जब भी कभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम ना हो और आटा सही से मलने का टाइम ना मिले, तो आप ऐसे करके भी, जैसे अभी मैंने सही से नहीं मलाया, अब मैं इसे 5 मिनट के लिए एक ऐसी पोलोथीन ले लेती हूँ, वो साफ़ होनी चाहिए, आप खास कर इसका ध्यान रखें। और इसके अंदर ऐसे इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे और 5 मिनट बाद निकालेंगे इसे, आपको मैं दिखाऊंगी ये कैसा हो चुका है। अभी रख देते हैं इसको। देखिए मैंने गोभी घिस ली है, तो मैंने लिया थोड़ा सा इसके लिए लहसुन और ये थोड़ी चपकी हुई हरी मिर्च है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का यूज़ होगा, पिसा हुआ पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए चालूंगी, दिखाई पड़ेगी के लिए मैंने कढ़ाई, जैसे कि आप जानते हैं गुजिया बनेंगी तो कढ़ाई का तो यूज़ होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, सरसों का तेल है, आप जो तेल खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से पकने दूंगी। देखिए तेल हो चुका है, अब मैं इसमें यूज़ करूँगी लहसुन जो मैंने बारीक कट कर रखा था, हल्का सा बुला दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी। ये देखिए हमारे लहसुन और हरी मिर्च हो चुकी है, इसे हम इसे ऐसे डाल दूंगी, इसे डुला दूंगा मैं। मिर्ची ऐसे डालें जो आप खा सकें, वैसे भी तो ये इसलिए है कि होली में आपका अगर दिल भर गया हो मीठा खा खा के, ऐसे गुजिया बना के खा सकते हैं।
ये मसाले हैं, सारे मिक्स मसाले पीसे हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, साबुत धनिया, ये मैंने एक साथ बना रखा है पेस्ट, ये देख सकते हैं। ऐसे डुला दूँगी, नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि अभी तो ये ज़्यादा दिख रहा है, फिर ये पिचक जाएगा। और पानी का बिल्कुल यूज़ ना करें इसमें। अभी ये तैयार हो रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हम लोग हरी धनिया पत्ती यूज़ करेंगे, वो सबसे लास्ट में डालेंगे। अभी इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी मैं, थोड़ा सा अच्छे से पक जाना चाहिए। इसको खाकर आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत टेस्टी है। ये मसालेदार गुजिए हैं। जब आप लोग होली खेल कर थक जाते हैं तो आप लोग मीठा खाने की सोचते हैं और मीठा खाकर बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ चटपटा बनाएं, है ना। तो चलिए, जब आप लोग इसको बनाकर अपने किसी दोस्त को या किसी गेस्ट को देंगे तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को इसको कैसे बना। ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका आटा। आप लोग देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, इसे मैंने ज़्यादा मला भी नहीं था, तब भी हो चुका है क्योंकि ये पन्नी का कमाल है। चलिए अब हम लोग गुजिया तैयार करते हैं। अब मैं इसमें से लूँगी एक छोटी सी लोई, एक बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ी लेंगे तो उतना ही मसाला ज़्यादा भरना होगा। अब मैं इसे थोड़ी सी मैदा लगाकर गोल बेल लूँगी। ये देखिए अभी जो मैंने तैयार करा हुआ मसाला, उसको अंदाजे से ऐसे इस पर रख लूँगी। सेम जैसे हम लोग मीठे गुजिया बनाते हैं ये वैसा ही प्रोसीजर है, पर मीठे हम ज़्यादातर मशीन से बनाते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से मत गर्गूँगी, अगर आपके पास मशीन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी मशीन मिल नहीं रही है तो मैं हाथ का यूज़ करूँगी। ये देखिए इसको अच्छे से दबा देंगे, है ना, ऐसे किनारी को अच्छे से। अगर आपसे ना हो तो हल्का सा किनारी पर पानी लगा लें। वैसे बहुत सॉफ्ट मैदा हो चुकी है तो ये ऐसे ही बंद हो जा रही है। और इसे ऐसे अच्छे से दबाने के बाद हल्के से ऐसे दबा दें, आप देख सकते हैं। अब मैं सारी एक एक करके ऐसी बना लूँगी। देखिए मैंने सारे में मसाला भर लिया है, अब मैं एक एक करके इसमें कढ़ाई में डालती हूँ। ये देखिए मैंने रिफाइंड लिया है, रिफाइंड चेक करेंगे पहले हो चुका है कि नहीं। हाँ रिफाइंड हो चुका है। अब मैं 2-4 जिस हिसाब से आपने तेल डाला हो उस हिसाब से डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। गैस थोड़ी कम ही रखें क्योंकि अंदर से थोड़ा सा पकना चाहिए। मैंने एक बार में 4 डाल दिए, एक और डालती हूँ, थोड़ी सी जगह और हो जाएगी। 5 करके फ्राई करूँगी और इसे पलट दूँगी। ये देखिए आ रहा है ना जैसे बिल्कुल मीठे वाली गुजिए होते हैं वैसे कलर इसका। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसमें नमकीन भरा हुआ है, कुछ मसाला ऐसा। यकीन मानिए आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है एक बार ट्राई करेंगे तो। आप देखिए काफ़ी करारी बनी है। अब मैं सारी ऐसे फ्राई कर लूँगी। दिल कर रहा होगा आप लोगों का एक उठा के खा लूँ फटाफट। घर पे जाइए फटाफट ट्राई कीजिए बनाकर, और बहुत जल्दी भी बनती है, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो में। बाकी मीठे गुजिए से तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये। हम ऐसे सारी फ्राई कर लेते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।